चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड सारा कुछ डिस्कस किया था। हाँ, आज हम क्या कंटिन्यू करेंगे? ये ड्यू डिलीजेंस विथ रेफरेंस टू रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट आपके सिलेबस में। ठीक है, ड्यू डिलीजेंस देखिए ये क्या है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है ड्यू डिलीजेंस। ओके, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, तो ये ड्यू डिलीजेंस क्या है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, तो किसी भी जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो या कुछ कार्य कर रहे हो, उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है, रिव्यू किया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, उसको ड्यू डिलीजेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, आपने जो भी आपने एक समझ लीजिए एक पॉलिसी बनाई है ना, एक सेफ्टी ऑडिट बनाई, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, उस जो रिव्यू करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का ड्यू डिलीजेंस कि वो कितना इफेक्टिव है, उसका रिव्यू करना। जो भी हमने रिस्क असेसमेंट हम कर रहे हैं, जो हमने आइडेंटिफाई किया, ट्रीटमेंट किया हजार्ड का, वो कितना इफेक्टिव है, उसके एग्जामिनेशन को, उसके रिव्यू करने को क्या कहा जाता है, ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, तो ड्यू डिलीजेंस इज अ जेनेरिक टर्म है दैट इज रिलेटेड टू ड्यूटी ऑफ केयर एंड असिस्ट अ पर्सन। किससे रिलेटेड है? ड्यूटी ऑफ केयर से रिलेटेड है। और इससे क्या होता है, पर्सन को असिस्ट किया जाता है, टू जज किया जाता है। ठीक है, ड्यू डिलीजेंस वही रिव्यू करना है ना, रिव्यू करना या जज करना। ओके, जो मैंने बोला इन्वेस्टिगेट करना, रिव्यू करना, उसको एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, जज भी करते हैं हम कि हाउ वेल द हजार्ड्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड। क्लियर है? तो ड्यू डिलीजेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो क्या करना, आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना, जज करना कि कितने अच्छे से हमने, हाउ वेल द हजार्ड प्रेजेंट, जो हजार्ड प्रेजेंट है उसको कितने अच्छे से हमने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया और ट्रीट किया। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना, जज करना, इसको क्या कहेंगे आप, ड्यू डिलीजेंस। इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ द जजमेंट, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन एंड एक्टिविटी दैट वुड बी एक्सरसाइज बाई अ रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन ऑफ दैट लेवल अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने कैसा लेवल ऑफ जजमेंट किया जा रहा है ना, कैसा लेवल ऑफ जजमेंट है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन है, एक्टिविटी दैट वुड बी एक्सरसाइज बाई अ रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन, है ना, कैसा जजमेंट किया जा रहा है, कैसा केयर किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा लिया जा रहा है पर्सन के द्वारा। तो आसान भाषा में आपसे अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में है, आपसे पूछ दिया कि ड्यू डिलीजेंस क्या है, तो आप ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन क्या करना है, जज, आइडेंटिफाई, रिव्यू, कि आपने जो हजार्ड प्रेजेंट है उस सिचुएशन को कैसे आइडेंटिफाई किया, ट्रीट किया, उसको कितने अच्छे से, हाउ वेल आपने जज किया, रिव्यू किया, आइडेंटिफाई किया। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना, जजमेंट करना, यही कहलाता है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस विद रिस्पेक्ट टू रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। इस ड्यू डिलीजेंस में ये सारे चीज एलिमेंट्स तो क्या रहते हैं, इन सारे एलिमेंट से मिलकर ड्यू डिलीजेंस, मतलब ड्यू डिलीजेंस में आपको क्या क्या करना है वो सारा चीज लिखा है। पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लाइंग विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिस्क्राइब्ड इन स्टैट्यूट। सबसे पहले जो अलग अलग लोगों का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है आपके रेगुलेशन में, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है उसको समझना है। ठीक है, आप अगर किसी को जजमेंट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, सबकी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब उसके बाद आप जजमेंट करेंगे कि हाँ ये सही जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। ओके, तो सबसे पहला तो यही है कि जजमेंट अपने पहले समझना है कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी है, आपको पता रहेगा जब किसकी जिम्मेदारी क्या थी, उस बेस पे आप उसे जज कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग रिस्क टू सेफ्टी एंड हेल्थ इन माइंड, फिर क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, माइंड में जो सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अप्लाइंग ड्यू डिलीजेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ SMP फॉर मिटिगेशन द रिस्क। ठीक है, SMP का जो हम प्रिपरेशन करते हैं,
है, एक्शन लेने के लिए, रिस्क में रिस्क को खत्म करने के लिए एक्शन लेने के लिए जो एसएमपी का प्रिपरेशन करते हैं उसका भी क्या करना है, उसमें भी ड्यू डिलीजेंस करना है कि आपने एसएमपी जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है, सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, सारा उसका रिव्यू किया जाएगा, जजमेंट किया जाएगा कि जो एसएमपी है वो सक्षम है कि नहीं। इस्टेब्लिशिंग सेफ प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ हजार्ड, ठीक है, हजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए जो हमने प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हम जो प्रोसीजर अपना रहे हैं, कंट्रोल अपना रहे हैं, वो सही है कि नहीं, है ना, तो ये सारे ड्यू डिलिजेंस में देखा जाएगा कि सेफ प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं, प्रोसीजर आपका सही है कि नहीं, कंट्रोल एलिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस प्रोसीजर जो है वो सही है कि नहीं हजार्ड के। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ये भी देखा जाएगा कि जो सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एलोकेटिंग एडिक्वेट टाइम एंड रिसोर्स फॉर द सिस्टम टू बी स्टेब्लिश एंड फॉलोड बाई द कंसर्न, फिर ये देखा जाएगा कि कितना समय लग रहा है, ये नहीं कि टाल मटोल तो नहीं हो रहा है, ये जो हमारा ये है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट के जो प्रोसेस है उसमें टाल मटोल तो नहीं हो रहा है ना, तो एडिक्वेट टाइम में ये सारा चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये सारा ड्यू डिलीजेंस में देखा जाएगा। मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग द प्रॉब्लम ऑन रेगुलर बेसिस, और क्या देखा जाएगा, रेगुलर बेसिस में जो प्रॉब्लम आते हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा और ऑडिटिंग किया जाएगा, ठीक है, तो ये सारे काम ड्यू डिलीजेंस के हैं। क्लियर, छोटा सा ही था ये ड्यू डिलीजेंस का, बस ये है कि आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, हजार जो भी प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई ट्रीट करने के लिए आप स्टेप्स जो ले रहे हैं उसको कितने अच्छे तरीके से ले रहे हैं उसका रिव्यू किया जाता है, जजमेंट किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्या है, इमरजेंसी प्लान, ठीक है, इमरजेंसी प्लान आपका अगला है। एन इमरजेंसी प्लान इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड इन इमरजेंसी, नाम से ही पता चल रहा है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में जो जो एक्शन फॉलो किए जाते हैं उसमें उसके लिए एक प्रोग्राम है। इमरजेंसी प्लान क्या है, जो जो इमरजेंसी के लिए हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, है ना, एक प्लान हमारे पास तैयार रहता है कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गया तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, सबकी जिम्मेदारियां बांट दी जाती है ना, तो यही है इमरजेंसी प्लान क्या है, इमरजेंसी प्लान एक प्रोग्राम है जिसमें ये लिखा रहता है कि इमरजेंसी के केस में क्या क्या एक्शन हम फॉलो करेंगे। इट शुड क्लियरली इंडिकेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच माइन ऑफिशियल एंड सम अदर की पर्सन, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा रहेगा, इमरजेंसी प्लान में क्या रहेगा, सारा का जो भी जितने माइन ऑफिशियल्स हैं, माइन ऑफिशियल्स जितने भी काम कर रहे हैं उनका ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर लिखा रहेगा, है ना, और जो अदर की पर्सन है जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर है, अटेंडेंस क्लर्क है, कैप लैंप इंचार्ज है, इन सब का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इमरजेंसी प्लान में क्लियरली इंडिकेट रहेगा कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, है ना, जैसे मान लो अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, आग लगने का कुछ संकेत मिला कि आग लग सकता है, तो उस केस में क्या किसका क्या जिम्मेदारी रहेगा, वो सारा चीज इस इमरजेंसी प्लान में लिखा रहेगा। दिस प्लान शुड बी ड्रॉन अप मेकिंग इनटू कंसिडरेशन स्पेशल फीचर्स ऑफ माइंड फोर्सिंग एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर एंड डैमेजेस, ठीक है, हर इस प्लान में इस प्लान को कैसे बनाया जाएगा, कंसिडर क्या किया जाएगा इस प्लान को बनाने में, कि अगर कुछ माइंस में स्पेशल फीचर्स हैं, ना कुछ अलग सा है, जैसे नॉर्मली माइंस में होता है उससे कुछ हटकर कुछ माइंस है, तो वो सारा चीज़ इसमें कंसिडर किया जाएगा, है ना, जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं तो उन सबको कंसिडर किया जाएगा, है ना, कुछ अलग है इसमें, स्पेशल फीचर्स है माइंस के, बहुत ज़्यादा पानी का रिसाव उसमें है तो ये स्पेशल फीचर्स हो गया माइंस का, तो इसमें उसको कंसिडर में रखा जाएगा जब भी इमरजेंसी प्लान बनाएगा, है ना, मान लो डिग्री 3 गैसी माइन से गैस मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है तो कंसिडर किसको दिया जाएगा, गैस को रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा है कि गैस का रिसाव अगर हो गया तो हमें क्या क्या इमरजेंसी में करना है, और हर एक पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर और डैमेज को कंसिडर करना है ना, कि
एक तो स्पेशल फीचर्स, मतलब मान लो बहुत ज्यादा गैसी माइंस है तो उसके ऊपर पर्टिकुलर ध्यान देना है गैस को रिलेटेड, और जितने भी पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर्स और डैमेजेस है। पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर और डैमेज क्या हो सकता है? आपका रूफ फॉल हो सकता है, ये पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर है ना, डैमेज है पॉसिबल सोर्स का। तो मान लीजिए इसका भी हमें इमरजेंसी प्लान बना के रखना है कि रूफ फॉल हो गया, रास्ता बंद हो गया तो क्या करेंगे ना, एक्सप्लोजन हुआ तो क्या करेंगे, आग लगा तो क्या करेंगे, ये सारा चीज इमरजेंसी प्लान में लिखा रहेगा, है ना। एवरी पॉसिबल डेंजर एंड सोर्स ऑफ डेंजर और डैमेज को इसमें कंसिडर किया जाएगा जब भी आप इमरजेंसी प्लान बनाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड फॉर प्रायर अरेंजमेंट टू बी केप्ट इन रेडीनेस बिफोर इमरजेंसी स्ट्राइक्स एंड ऑल्सो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द इमरजेंसी प्लान टू डील विद द इमरजेंसी एज एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स। ठीक है, सॉरी। इस प्रोग्राम में क्या प्रायर अरेंजमेंट, प्रायर अरेंजमेंट क्या, पहले से हम अरेंजमेंट रखेंगे, है ना। इस प्रोग्राम में क्या किया जाता है, इमरजेंसी प्लान जो बनाया जाता है उसे प्रायर अरेंजमेंट्स रखते हैं ना, पहले से हम तैयार रहते हैं। टू बी केप्ट इन रेडीनेस, पहले से हम तैयार रहेंगे, पहले से अरेंजमेंट रखेंगे तो क्या होगा, हम पहले से तैयार रहेंगे बिफोर इमरजेंसी स्ट्राइक्स। इमरजेंसी होने से पहले, इमरजेंसी कुछ भी होने से पहले हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे इमरजेंसी प्लान बनाकर, है ना। पूरा अरेंजमेंट हम रखेंगे कि मान लीजिए ये हुआ, आग लगा तो हम पहले से प्रिपेयर है ना, पूरा अरेंजमेंट है हमारे पास। एंड ऑल्सो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्लान टू डील विद द इमरजेंसी एज एंड वेन इट स्ट्राइक्स, है ना। पूरा इमरजेंसी प्लान का ऑपरेटिव पार्ट हमारे पास रहेगा ताकि हम इमरजेंसी से डील कर सके जब वो हमारे ऊपर गिरेगा, स्ट्राइक्स, है ना। स्ट्राइक मतलब इमरजेंसी, जब हमारे ऊपर कुछ भी आएगा तो क्या होगा, हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है इमरजेंसी प्लान, है ना। देखो, नेसेसिटी ऑफ इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान की जरूरत क्यों है। एन इमरजेंसी प्लान इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर द फॉलोइंग रीजंस। जो इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है उसे प्रिपेयर किया जाता है इन सारे रीजन के कारण। किस कारण से? सबसे पहला तो है टू अवॉइड चाओटिक कंडीशन। ठीक है, अफरा तफरी मच जाता है, कुछ मान लीजिए माइंस में हुआ, आग लग गया या कुछ एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तो उस अफरा तफरी, जो चाओटिक कंडीशन हो जाता है, उसको डेवलप होने से पहले, जो विच डेवलप्स आफ्टर एन इमरजेंसी और डिजास्टर, माइंस में कुछ इमरजेंसी आया, डिजास्टर हुआ, कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया तो क्या होता है, अफरा तफरी, चाओटिक कंडीशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को इंसान पहले से प्रिपेयर रहे कि हाँ ये इमरजेंसी आएगा तो हमारे पास ये प्लान है ना, पहले से मॉक रिहर्सल वगैरह हम करके रखेंगे तो वो क्या है, चौटिक कंडीशन नहीं होगा, है ना। तो उस कंडीशन को, चौटिक कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, अवॉइड करने के लिए इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है। टू कीप द पर्सन ट्रेन बिफोर हैंड विद डिटेल्स एज टू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हेन एवर एन इमरजेंसी अराइज। इमरजेंसी प्लान से हम क्या करते हैं, पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं, पहले ही ट्रेन देते हैं, ट्रेन करते हैं कि मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आता है, व्हेन एवर एन इमरजेंसी राइज, कुछ इमरजेंसी आता है तो सारा डिटेल्स उसे ट्रेनिंग में दिया जाता है कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना। ताकि जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको पहले से पता हो कि मान लो कुछ पानी भरने लगा माइंस में, मान लीजिए इनंडेशन होना चालू हुआ, अब इनंडेशन होना चालू हुआ तो उसमें पहले से ट्रेनिंग दिया जाएगा, सारा डिटेल्स दिया जा ट्रेनिंग में डिटेल्स बताया जाता है कि आपका इनंडेशन मान लो माइंस में हो रहा है, पानी भर रहा है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। ये सारा चीज़ ट्रेनिंग में पहले से ही बता दिया जाता है। टू सेव ह्यूमन लाइफ हु माइट गेट आइसोलेटेड ड्यू टू इमरजेंसी, है ना। अब यहाँ क्यों बनाया जाता है इमरजेंसी प्लान को, ताकि हम उन लाइफ्स को बचा सके जो कि कहीं फंस जाते हैं, इमरजेंसी में कहीं फंस गए, आइसोलेट हो गए, नहीं निकल पाए, है ना। तो पहले से हमारे पास प्लान रहेगा कि मान लीजिए कोई कहीं फंस रहा है तो उस केस में आपको कैसे उसे बचाना है ना। इमरजेंसी प्लान रहेगा, प्लान हमारे पास पहले से ही है कि कोई ऐसे प्लेस में काम कर रहा है जो कि कुछ घटना होने के कारण वहां फंस गया, तो उस फंसे हुए इंसान को कैसे निकालना है, ये सारा इमरजेंसी प्लान में रहेगा। रेस्क्यू टाइम जैसे, हाँ ऐसे बोल सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल रेस्क्यू टीम जैसे। हाँ, रेस्क्यू टीम क्या करती है, पहले से ट्रेन रहती है कि मान लीजिए कुछ
दुर्घटना हुआ, फंसे हैं लोग अंदर में, तो उन्हें कैसे क्या करना है ना, तो इसी तरीके से इमरजेंसी प्लान में भी सारा कुछ रहता है और ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है। चौथा है टू सेव द माइंड बाई टेकिंग एक्शन टू डील विद द इमरजेंसी एज अर्ली एज पॉसिबल। और क्या क्यों जरूरत है इमरजेंसी प्लान का, ताकि हम माइंड्स को सेव कर सकें, है ना। इमरजेंसी को सही एक्शन लेके डील करेंगे जितना पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी उस इमरजेंसी को हम डील करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड्स को भी सेव कर सकते हैं। तो इमरजेंसी प्लान इसलिए भी बनाया जाता है कि पांच या चार, तीन चार कंडीशन कारण हैं जिसके लिए हमें क्या है, इमरजेंसी प्लान बनाना ज़रूरी है ना। हम क्या, इमरजेंसी प्लान बनाने से क्या क्या फ़ायदा हुआ हमें, चाओटिक कंडीशंस जो होते हैं उसे अवॉइड किया जा सकता है, पर्सन को पहले से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि क्या करेंगे आप इमरजेंसी में, ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए फ़ायदेमंद है इमरजेंसी प्लान, और माइंड्स को भी सेव करने के लिए इमरजेंसी प्लान फ़ायदेमंद है। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखा जाए, है ना, एक मिनट, सॉरी। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देखा जाए कि हमारा रूल रेगुलेशन क्या कहता है, तो एज पर रेगुलेशन 199 CMR 1957 है, आप तो CMR चेंज हो गया, तो उस समय 1957 में जो 199 में था, द फॉलोइंग आर द स्टैचुटरी प्रोविजन फॉर फ्रेमिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी प्लान, है ना। ये जो सारे नीचे लिखे हुए हैं वो क्या है कि इमरजेंसी प्लान को फ्रेम करने के लिए उसमें गाइडलाइंस दिए हुए थे। ओके, द मैनेजर ऑफ एवरी बिलो ग्राउंड माइंड, है ना, रूल रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है इमरजेंसी प्लान के बारे में, ये देखिए। अब ये रेगुलेशन नंबर चेंज हो गया होगा, एक्चुअल याद तो है नहीं इमरजेंसी प्लान का, ठीक है, तो अभी भी है लेकिन रेगुलेशन नंबर बस चेंज हुआ होगा। इमरजेंसी प्लान, द मैनेजर, क्या क्या दिया है रेगुलेशन में हमारे, कि द मैनेजर ऑफ एवरी बिलो ग्राउंड माइन शैल प्रिपेयर एन इमरजेंसी प्लान आउटलाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच माइन ऑफिशियल, है ना, एंड की मैन इंक्लूडिंग द टेलीफोन ऑपरेटर हु शैल बी थ्रूली इंस्ट्रक्टेड इन देयर ड्यूटीज सो एज टू अवॉइड कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स एंड कन्फ्यूजन एट द टाइम वेन प्रॉम्प्ट एंड एफिशियंट एक्शन इज रिक्वायर्ड। चलिए ठीक है, तो रेगुलेशन में ये सब दिया हुआ है, क्या दिया है कि मैनेजर फ्रेम करेगा कौन। हाँ, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इमरजेंसी प्लान कौन बनाता है ना। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इमरजेंसी प्लान एक तो बिलो ग्राउंड माइंस के लिए बनाया जाता है और कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि कौन बनाता है, तो भाई मैनेजर बनाता है इमरजेंसी प्लान। उसमें क्या आउटलाइन किया जाता है, सारे और माइन ऑफिशियल्स का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है, उनमें किनका, जो की मैन है ना, जो ऊपर भी हमने पढ़ा था, जिस की मैन पर्सन जो हैं, जो कि की रोल करते हैं अपने माइंड्स में, की रोल जो निभाते हैं, जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर, लैंप हैंडलिंग वाला, लैंप रूम इंचार्ज, ये सब क्या कहलाएंगे आपके की पर्सन है ना, जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर, अटेंडेंस क्लर्क, कैप लैंप इंचार्ज, ये सब की पर्सन कहलाते हैं। तो इन सब का माइन ऑफिशियल्स और इन की पर्सन का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस इमरजेंसी प्लान में रहेगा, जिसमें क्या लिखा रहेगा, इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा इन देयर ड्यूटीज, उसमें उनके ड्यूटीज के इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे कि जो भी ऑर्डर्स वगैरह है, और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स को अवॉइड करने के लिए लिखा है कि इधर उधर का ऑर्डर्स नहीं देखना है, और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो एट द टाइम वेन प्रॉम्प्ट एंड एफिशियंट एक्शन इज रिक्वायर्ड। मतलब उनको ड्यूटीज अपने बहुत अच्छे से निभाना है कि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि हाँ कुछ और बोल रहा है और इन्होंने कुछ और मैसेज दिया है ना, और इधर उधर का ऑर्डर को फॉलो करने से मना किया गया है। दूसरा क्या बोल रहा है, द इमरजेंसी प्लान शैल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर मॉक रिहर्सल एट रेगुलर इंटरवल, है ना। इमरजेंसी प्लान में मॉक रिहर्सल के बारे में भी बोला गया है कि आप क्या करेंगे, मॉक रिहर्सल कीजिए, मतलब बिना वर्कर्स को बताए एक बार हल्ला कीजिए कि आग लगा है ना। अब फिर उनको सारे को अच्छे से स्टडी कीजिए कि उस कंडीशन में कौन क्या कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी जो दी गई है वो उस जिम्मेदारी को निभा रहा है कि नहीं, है ना। तो ये मॉक रिहर्सल रेगुलर इंटरवल में भी जरूरी है।
हर रेगुलर इंटरवल में, मतलब कुछ कुछ समय में क्या किया जाएगा, एक मॉक रिहर्सल किया जाएगा कि झूठ का बोला जाएगा कि हाँ भाई आग लग गया। अब सारे वर्कर्स का जिनका जो जिम्मेदारी है उनको अच्छे से डीप स्टडी किया जाएगा कि ये सारे जो जिम्मेदारी हैं वो अपना निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तीसरा, द मैनेजर शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ इमरजेंसी प्लान विद इन 30 डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ माइंस टू रिम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इमरजेंसी प्लान मैनेजर बनाता है वो किसे सबमिट करता है ना? तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन रिम को सबमिट करता है मैनेजर 30 दिन के अंदर, है ना? जब भी उसका इमरजेंसी प्लान बनेगा उसके 3 दिन 30 दिन के अंदर क्या करेगा, रिम को सबमिट करेगा और गेट इट अप्रूव्ड एंड इन्फोर्स एट द माइन। और रिम क्या करेगा, उसे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो अप्रूवल लेने के बाद उसको माइंस में अप्रूव करने इन्फोर्स करने का काम किसका है, मैनेजर का है। ठीक है, तो मैनेजर बनाएगा, 30 दिन के अंदर सबमिट करेगा रिम को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को अप्रूव करेगा। और जब अप्रूव करेगा उसके बाद ही माइंस में इन्फोर्स करेगा। ठीक है, व्हेन एनी इमरजेंसी अकर्स मैनेजर प्रिंसिपल ऑफिशियल सेल इमिडिएटली पुट द इमरजेंसी प्लान इनटू ऑपरेशन। अगर कुछ भी इमरजेंसी होता है तो मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिशियल जो भी उसके जगह पे वहाँ उपलब्ध है वो क्या करेगा, इमिडिएटली इमरजेंसी प्लान को ऑपरेशन में लाएगा। द प्लान शुड बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब क्या है, माइंस आगे बढ़ते जाता है, कंडीशन चेंज होते रहता है, इसलिए बोला गया है कि इमरजेंसी प्लान को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ गुड इमरजेंसी प्लान, ये इमरजेंसी अच्छा इमरजेंसी प्लान के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है जो होना चाहिए इमरजेंसी प्लान में। ठीक है, जब भी इमरजेंसी प्लान बना रहे हैं तो ये सारे चीज माइंड में होना चाहिए, ये जो पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं। द फर्स्ट फ्यू आवर्स इमिडिएटली आफ्टर एन इमरजेंसी आर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। जब इमरजेंसी आप प्लान बनाएंगे तो उसको आपको दिमाग में ये रहना चाहिए, माइंड में, कि जो पहले कुछ घंटे हैं वो बहुत ही वाइटल होते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो पहले कुछ घंटे में जो एक्शन लिया जाएगा वो बहुत कुछ निर्धारित करेगा कि आगे क्या होने वाला है ना? तो जो इमरजेंसी प्लान बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट फ्यू आवर्स में क्या क्या, फर्स्ट फ्यू आवर्स में क्या क्या एक्शन लेना है, वो सारा चीज़ अच्छे से लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इमरजेंसी प्लान में। क्योंकि पहले कुछ घंटे में अगर कंट्रोल हो गया तो हो गया, वरना जब डिजास्टर आता है, बड़ा कुछ आता है, तो वो कंट्रोल से बाहर ही होता है माइंड में, है ना? इसलिए फर्स्ट फ्यू आवर्स के बारे में लिखना है कि क्या क्या आपको पहले कुछ घंटे में करना है इमरजेंसी में। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन ड्यूटीज विथ विच ही इज जनरली फैमिलियर सो दैट ही डज नॉट हैव टू लर्न अ न्यू टू प्ले। जितने भी मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का उनको जो ड्यूटीज दिया जाएगा वो कैसा ड्यूटीज दिया जाएगा, जो कि उससे वो फैमिलियर है, मतलब वो उस जगह को जानता हो। जैसे पंप ऑपरेटर है, पंप ऑपरेटर सम्प के वाले जगह को बहुत अच्छे से जानेगा ना, तो उसका जो जिम्मेदारी दिया जाएगा वो किससे रिलेटेड दिया जाएगा, पंप से रिलेटेड ही दिया जाएगा, है ना? तो जो ड्यूटीज आप लिखेंगे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बनाएंगे कि इमरजेंसी प्लान में किसका क्या ड्यूटी रहेगा, तो जिस भी बंदे का ड्यूटीज आप बना रहे हैं उसको वैसा काम दिया जाए जो उस जगह से वो फैमिलियर हो, है ना? उस काम से फैमिलियर हो, वहाँ वो आना जाना उसका डेली का हो, सो दैट ही डज नॉट हैव टू लर्न अ न्यू टू प्ले, ताकि उसे कुछ नया सीखने का जरूरत ना पड़े। वो तो वहाँ आना जाना करता ही है, उस कंडीशन से सारा वाकिफ है कि कहाँ क्या है, कहाँ से इमरजेंसी रूट बन सकता है ना? तो जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, जिसको भी देंगे उसको कैसा देंगे, जो उस जगह से फैमिलियर हो। एट द टाइम ऑफ द एक्चुअल अकरेंस, अगर कुछ एक्चुअल अकरेंस, द मैनेजर हैज टू यूज हिज डिस्क्रिशन इन अडॉप्टिंग द प्लान अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड स्केल ऑफ द इमरजेंसी। ठीक है, अगर जो एक्चुअल अकरेंस हुआ, ठीक है, हमने इमरजेंसी प्लान तो बना लिया, लेकिन कुछ मान लीजिए घटना हुआ, उस समय मैनेजर को क्या करना है, अपना जो अनुभव है उसको अडॉप्ट करना है प्लान में, है ना? जैसा भी नेचर एंड स्केल ऑफ इमरजेंसी, कैसा इमरजेंसी आया है, किस नेचर का इमरजेंसी आया है, उसके अकॉर्डिंग प्लान को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो इमरजेंसी प्लान बना दिए वो पत्थर का लकीर हो गया, जो आप इमरजेंसी प्लान बनाए हैं इसी से काम करना है, नहीं।
जो भी आपका दुर्घटना इमरजेंसी आता है वो किसी भी नेचर का हो सकता है, किसी भी स्केल का हो सकता है ना, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको प्लान को अडॉप्ट करना है। ठीक, मैनेजर जो है उस कंडीशन के हिसाब से इमरजेंसी प्लान को अडॉप्ट करेगा, ये नहीं कि जो बन गया हाँ उसी से आपको काम करना। ठीक है, आपका जो इमरजेंसी आया है कुछ अलग तरीके का आ सकता है, कुछ बहुत बड़ा आ गया या तो छोटा मोटा ही है, तो जैसा इमरजेंसी वैसा प्लान को अडॉप्ट करने के लिए बोला गया है। द ऑफिशियल इन द पिट एट द टाइम ऑफ अकरेंस हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन नॉलेज एंड इनिशिएटिव। जो सरफेस में ऑफिशियल्स हैं है ना, जो माइंस के बाहर में पिट के में है आपको ऑफिशियल, उनको क्या करना है, अगर कुछ इमरजेंसी हुआ है, अकरेंस हुआ है इमरजेंसी, तो उनको कैसे काम करना है, उनके नॉलेज और इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग ऊपर में जो भी आप कर सकते हैं वो करेंगे। एवरी पर्सन इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशंस मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड इन एडवांस हिज पर्टिकुलर रोल। जो भी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे, जो भी पर्सन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होंगे रेस्क्यू वगैरह में, उनको क्लियरली अंडरस्टैंड, उनको क्लियरली पता होना चाहिए एडवांस में कि उनका रोल क्या है ना। जो भी वहाँ बचाव कार्य में जाएंगे है ना, तो उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनका रोल क्या है। द पॉसिबल कॉजेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इमरजेंसी शुड बी इन्वेस्टिगेट। ठीक है, जो पॉसिबल जो इमरजेंसी हुआ है उसका कारण ढूंढना जरूरी है। जो इमरजेंसी हुआ है उसका पॉसिबल कॉज, क्या कारण हो सकता है कि ये इमरजेंसी हुआ, मान लो पानी ही इनंडेशन हुआ, उसका कारण भी ढूंढना है कि क्या कारण होगा कि ये इमरजेंसी हुआ है, और उसका मैग्नीट्यूड कि कितना भयानक हो सकता है ये, है ना, ये भी हमें क्या करना है, वहाँ खोजना है कि ये क्या कारण से, मान लो पानी भरा तो किस कारण से पानी भरा, एक तो ये हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड भी देखना है कि कितना ज्यादा घातक है ये। द मैनेजर हैज टू कीप इन माइंड द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड इमरजेंसी वाइल ड्राइंग अप द इमरजेंसी प्लान, है ना। जब भी इमरजेंसी प्लान बनाते रहेगा मैनेजर, तो उसको क्या दिमाग में रखना है कि एक्सपेक्टेड इमरजेंसी क्या क्या आ सकता है, उसे मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से इमरजेंसी आ सकता है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान वुड हाउएवर बी द सेम फॉर इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स प्लान के क्या होते हैं, इमरजेंसी के नेचर के रिस्पेक्टिव होते हैं, जिसे फॉलो करना ही रहता है। चलिए अगला क्या है, इमरजेंसी प्लान ऑफ अ बिलो ग्राउंड माइन विद डेंजर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड इनफ्लेमेबल गैस। चलिए एक यहाँ कंडीशन दे दिया कि आपके माइंड में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है या फिर इनफ्लेमेबल गैस मिल गया है, तो उस केस में आपको कैसा इमरजेंसी प्लान बनाना है ना। इमरजेंसी प्लान बिलो ग्राउंड माइंस का है, जो किसके कारण है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग से है और इनफ्लेमेबल गैस है। कंपोनेंट्स ऑफ इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान के क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे ये देखिए। एक तो प्रायर अरेंजमेंट्स, पहले से सारा अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, उस इमरजेंसी प्लान में लिखा रहेगा कि मान लो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा या इनफ्लेमेबल गैस होगा, तो क्या क्या अरेंजमेंट रहता है वो सारा चीज़ लिखा रहेगा। फ्रेमिंग एंड ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ओके, जो इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडिंग ऑर्डर है, ऑर्डर वगैरह है कि मान लो इमरजेंसी आता है तो आपको क्या क्या फॉलो करना है, ये फ्रेम करना है हमें, है ना। इमरजेंसी प्लान में ये सारी चीज़ें रहेंगी। एक तो रहेंगी प्रायर अरेंजमेंट्स, पहले से अरेंजमेंट रहे लिखा रहेगा कि क्या क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, और स्टैंडिंग ऑर्डर्स फ्रेम करना है कि यदि स्पॉन्टेनियस हीटिंग आया या इनफ्लेमेबल गैस मिला तो क्या क्या हमें ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। कंट्रोल रूम के बारे में है कि ऑपरेशन मान लो कुछ हुआ तो कौन सा ऑपरेशन कंट्रोल रूम रहेगा। एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाए गए हैं उसे लागू करना। प्रायर अरेंजमेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं देखिए, जो प्रायर अरेंजमेंट्स हम पहले भी पढ़े अभी पढ़ रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एज डिटेल्ड बिलो शैल बी केप्ट एंड मार्क्ड फॉर यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये इमरजेंसी में कौन से बिल्डिंग को हम यूज करेंगे, है ना, बाहर में जो सरफेस में हमारे बिल्डिंग्स हैं, तो इमरजेंसी में किस बिल्डिंग को हम यूज करेंगे ये लिखा रहेगा प्रायर अरेंजमेंट्स में। इमरजेंसी कंट्रोल रूम, टू रूम फॉर रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इमरजेंसी कंट्रोल रूम हम किसे बनाएंगे, है ना, रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 रूम कौन सा रहेगा, ये सारा चीज़ प्रायर अरेंजमेंट में रहेगा। 1 रूम टू बी यूज एज लेबोरेटरीज। टू वॉच द कंप्लीट वीडियो डाउनलोड द माइनिंग ज्ञान ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर।
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.